तो आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको मैं डीजे थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। फुल वीडियो लेके आए दोस्तों 8 से 9 मिनट का, तो आपको एंड तक देख लेना और सीख लेना दोस्तों किस तरह से डीजे थंबनेल बनता है। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको इसमें एक फोटो ऐड करनी है। तो पहले हम 3 डॉट पर हम क्लिक कर लेंगे और इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से अपनी गैलरी में जहाँ पर भी वो बैकग्राउंड रखा है, इमेज रखी है, उसको हमें ऐड कर लेना, ठीक है। उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह की ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, इसको ओके करके हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको बैकग्राउंड बनाने के लिए इसके ऊपर PNG ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले हम पेपर टीयर PNG इस पर ऐड कर लेते हैं। पेपर टीयर PNG ऐड करने के लिए हमें प्लस पर क्लिक कर लेना होगा और फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ से हमें पेपर टीयर PNG ऐड कर लेनी होगी, ठीक है। तो आपको पेपर टीयर PNG की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से पेपर टीयर PNG मैं ऐड कर लेता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से लंबा खींच के, ठीक है। और लेयर वाले ऑप्शन पर जाके इसको मैं लॉक कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। फिर दोबारा से प्लस पर क्लिक कर लेता हूँ और फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर चले जाता हूँ और नेक्स्ट PNG को मैं ऐड कर लेता हूँ, जो कि आप देख रहे हैं ये वाली PNG दोस्तों, ठीक है। इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लेयर पर जाकर इसे मैं लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। और दोबारा से प्लस पर हम क्लिक कर लेंगे दोस्तों और फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जो नेक्स्ट PNG दोस्तों वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ, जो कि हेडफोन्स वाले जो कोने में लगेगी एक साइड में, ठीक है, लोगों की तरह लगेगा ये भी। और इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से लॉक कर दूंगा। फिर लेयर पर जाने के बाद दोबारा से मैं प्लस पर क्लिक कर लूँगा दोस्तों, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर चला जाऊंगा और जो नेक्स्ट PNG है दोस्तों उसको मैं ऐड कर लूँगा, जो सोशल मीडिया आइकन्स वाली PNG है दोस्तों, ठीक है। इसकी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से सभी चीज़ों को हमें ऐड कर लेना दोस्तों, ठीक है। फिर दोबारा से मैं प्लस वाले ऑप्शन पर चले जाऊंगा दोस्तों और फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर चले जाऊंगा, जो कि नेक्स्ट PNG है दोस्तों वो वाले मैं ऐड कर लेता हूं, जो कि हेडफोन्स वाले दोस्तों, ठीक है। और इसको भी फुल कर लेता हूँ यहाँ से और लेयर पर जाके इसे लॉक कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। जो लास्ट एंड फाइनल PNG दोस्तों उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से उस PNG को दोस्तों मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड बनके दोस्तों रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर टेक्स्ट एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट लिखने के लिए हमें ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा और इस टेक्स्ट पर हमें क्लिक कर लेना होगा। अब इस पर एडिट पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से जो भी हमारा सॉन्ग का नाम है, तो हमारे सॉन्ग का नाम है प्यार तेरा, ठीक है। तो ये वाला टेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ और इसे कैपिटल में कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा कर लूंगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखने के मतलब मैं इसमें कलर कैसे डालता हूँ ये आपको सीख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फ़ॉन्ट डाल लेंगे। फ़ॉन्ट डालने के लिए ए बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे यहाँ से, और आपको फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर नीचे स्क्रॉल करना तो आपको एक फ़ॉन्ट मिलेगा जो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, पिक्सेल में पहले से रहता है, ठीक है। जिसका नाम है मेमे फ़ॉन्ट, इस पर हमें क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। और इसको फिर हमें इसमें कलर डालना, तो कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है और आगे प्लस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना होगा और इसको यहाँ तक यहाँ पर ले आना, ठीक है। ओके कर लेना है। अब यहाँ से हमें ओके कर लेना है और आगे स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रोक वाला, इस पर हमें क्लिक कर लेना होगा, इसको इनेबल कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ से कलर हमें यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों, ठीक है। ये देख रहे हैं इसको हमें 2 पर कर देना है, ये 4 पर है ना, इसको हम 2 पर कर देंगे। यहाँ से माइनस पर जाके 2 पर हमें कर लेना है और आगे एक ऑप्शन मिलेगा पीछे देखो ये वाला, इस पर हमें क्लिक कर लेना होगा, इसको थोड़ा बढ़ा लेना होगा, ठीक है। इस तरह से हमें इसको बढ़ा लेना दोस्तों और इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एडजस्ट हमें कर लेना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम दोस्तों शोडाउन भी डाल देते हैं इस तरह से ब्लैक कलर का, और ओके कर लेना है और लेयर पर जाके हमें लॉक हमें कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब दोबारा हमें टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, एडिट पर जाना, यहाँ से हमें लिख लेना रिमिक्स, ठीक है। तो मैं रिमिक्स यहाँ पर लिख लेता हूँ, रिमिक्स आपको लिख लेना दोस्तों इस तरह से। और इसमें आपको दोस्तों कलर डाल देना येलो, पीला कलर आपको डाल देना, ठीक है। और फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना, यहाँ से ये वाला फॉन्ट इसमें डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। और टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से, और इसमें भी थोड़ा सा शेडो डाल देंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि थोड़ा सा लाइट हो जाए दोस्तों ये टेक्स्ट है। तो शेडोन पर चले जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक शेडो इसमें डाल देंगे और ओके कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और लेयर पर जाके हमें इसे लॉक कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे मतलब जो रिमिक्स वगैरह लिखते हैं वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिख लेंगे DJ Mix 2022, इस तरह से आपको लिख लेना है। तो ये सीख लेना दोस्तों, ये चीज़ें तो बहुत ही बारीकी से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी ये वाली चीज़ें, ठीक है। इसमें हम कलर डालेंगे दोस्तों वाइट, ठीक है। और अब इसमें हमें फॉन्ट डालना है, तो फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और कोई नॉर्मल सा फॉन्ट मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसको लंबा कर लूँगा इस तरह से, और छोटा कर लूँगा इस तरह से। और इस तरह से आपको क्या करना है, इस पर टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना, आगे आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड वाला, इस पर हमें क्लिक कर लेना होगा। इसमें हमें रेड बैकग्राउंड में इसमें डाल देना है और थोड़ा सा
इस तरह से आपको कर लेना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 18-18 पर आपको रख लेना, ठीक है, और छोटा आपको कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। और इस तरह से आपको इसको एडजस्ट हमें कर लेना है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको एडिट कर लूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा पहले दो डॉट और ये, इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगा और रिमिक्स डीजे रिमिक्स इसमें डाल दूँगा, ठीक है। इस तरह से आपको भी कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और इसको कैपिटल में हम कर लेंगे, ठीक है। और इस दोस्तों इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद इसके नीचे जस्ट मैं आपको इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और इसमें दोस्तों क्या करना, आपको यहाँ से बैकग्राउंड पर आना है, यहाँ से आपको वाइट कर देना, ठीक है। और कलर पर आके इसका कलर आपको ब्लैक कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब हमें दोस्तों यहाँ से सभी चीज़ों को लॉक कर लेना है, ठीक है। और टेक्स्ट पर दोबारा आना आपको, जो भी चैनल का नाम आपको, जैसे मेरे चैनल का नाम है प्रीतम म्यूजिक, ठीक है, तो मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ प्रीतम म्यूजिक, और कैपिटल में इसको लिख लूँगा। इसका कलर दोस्तों मैं ब्लैक कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको भी अपना चैनल का नाम वगैरह आपको इस तरह से कर लेना जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसको थोड़ा लंबा खींच लेना टेक्स्ट को, और ओके कर लेना, इसको छोटा कर लेना इस तरह से। छोटा करने के बाद इस तरह से दोस्तों आपको ये एडजस्ट आपको कर लेना इस तरह से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और चैनल का नाम दोस्तों हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों हम सोशल मीडिया आइकन्स वाला लिखेंगे हम, तो जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स से हमारा जो फेसबुक वगैरह का नाम है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल में, इसको लिख लेंगे। और इसका कलर हम ब्लैक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ से ब्लैक कलर हमें कर लेना है। और इसमें एक फ़ॉन्ट हमें डाल देना, सिंपल सी नॉर्मल सा फ़ॉन्ट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नॉर्मल सा फ़ॉन्ट इसमें हम डाल देंगे। इसको छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे इस वाले ऑप्शन पर जाके, और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट हम कर देंगे दोस्तों सोशल मीडिया के नीचे, ठीक है। दोस्तों हमारा पोस्टर बनकर रेडी हो चुका है। हमें एक टेक्स्ट लिख लेना बिट्टू की पसंद वाला, तो ये आप लिख सकते हैं, आपको छोड़ना तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो सिर्फ ऐसे ही पोस्टर के लिए नॉर्मल सी लिख रहा हूँ, बिट्टू की पसंद, तो ये वाला आपको लिख देना दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको रेड कलर डाल देना है, और एक नॉर्मल सा स्टाइलिस्ट फॉन्ट हम इसमें डाल देंगे दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे पेपर टियर के ऊपर जस्ट, और हमारा पोस्टर बन के रेडी हो चुका है। अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ऊपर मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम है प्रीतम हेल्प डॉट कॉम, यहाँ से आपको लिख देना इस तरह से, ओके कर लेना है नॉर्मल सी। और इसमें इस तरह आपको छोटा करके एडजस्ट हमें कर लेना है यहाँ से। इसमें कलर मैं येलो डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और इसमें कोई भी एक नॉर्मल सा फॉन्ट हमें दोस्तों डाल देना, ठीक है, इस तरह से। और इसको बड़ा करके एडजस्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो इसका PLE फाइल का दोस्तों, पोस्ट का PLE फाइल आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो हमारा पोस्टर बनके दोस्तों रेडी हो चुका, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी PLE फाइल एंड PNG की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पासवर्ड आपको दो स्टेप में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा पोस्टर बन गया, सेव करने के लिए आप शेयर वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ से, और यहाँ पर डिफॉल्ट पर क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा पर जाना है, और सेव टू गैलरी पर जाकर इसको सेव कर लेना दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको पोस्टर बनाना मैंने सिखा दिया, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर लेना, जो भाई चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।